क्या आप लोगों को पता है कि हमारे पहाड़ में चाइना को जाने के लिए 11,000 फीट की ऊंचाई पे एक गली है। यहाँ आने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। यही है वो जगह जिसे कहते हैं लद्दाख ऑफ उत्तराखंड ने लॉन्ग वैली। आज से 150 से 200 साल पहले रोड तो होती नहीं थी, तो भारत और तिब्बत के बीच में ट्रेड करने के लिए इस पुल का निर्माण करा गया है, जो 130 मीटर लंबा है और भारत की सबसे ऊंची गली भी कहते हैं गड़तांग गली। 1962 के बाद इंडो चाइना वॉर के बाद इसको टूरिस्ट के लिए 2021 में दोबारा से खोल दिया गया है, पूरे 59 ईयर्स बाद। यहाँ आने के लिए आप लोग को भैरव घाटी चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद आप लोग गड़तांग गली आ सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्सिल। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी हम तैयार हो चुके हैं गड़तांग गली जाने के लिए। तो पहले बाहर निकलते हैं, थोड़ा चाय कॉफी पीते हैं, उसके बाद सीधे निकलते हैं गड़तांग गली की तरफ। और आज का थोड़ा लुक इस टाइप का है तुम्हारे भाई का, देख सकते हो आप ड्रेस। तो रेडी हो गए हैं गाइज हम, और फटाफट से निकलते हैं अब गड़तांग गली की तरफ, क्योंकि वापस भी जाना है आज हमने हरिद्वार, तो कहीं बाद में लेट ना हो जाए। तो निकलते हैं मार्केट, और पहले मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको दरहाली का, फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो ये है गाइज हमारा होटल जहाँ पे हम कल रुके थे, और इस साइड को है पूरा दरहाली का मार्केट, देख सकते हो आप। बस यहाँ पे सारे चारों तरफ होमस्टे हैं, और ये देख सकते हो दोस्तों आप हर्सिल वैली के नज़ारे। तो गाइस हम ये वेट कर रहे थे चेकआउट के लिए, तो यहाँ पर रिसेप्शन में कोई है नहीं, तो उनका वेट कर रहे हैं, सामने जाके पता करते हैं एक बार फटाफट से, फिर निकलते हैं आगे को। अरे पंकज जी एकदम रेडी हो चुके हैं हर्सिल के लिए, लेकिन गाड़ी दोस्त हमारी यहाँ फंस चुकी है, तो अभी कार निकालते हैं भैया, तो उसके बाद निकालेंगे स्कूटी। तो गाइस थोड़ा पेट्रोल डलवा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि उत्तरकाशी के बाद से यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो दुकानों से लेना पड़ता है इधर, तो यहाँ पर अवेलेबल है एक दुकान पे पेट्रोल। तो दोस्तों पेट्रोल वगैरह सब डलवा लिया है, और अब निकल चुके हैं हम हर्सिल की तरफ। नदी देख सकते हो आप दोस्तों, सुबह सुबह काफ़ी मौसम बहुत साफ है अभी, और हवा तो एकदम मस्त ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं तो चली रही हैं, और साथ में देवदार का जंगल देख सकते हो आप। नीचे देख सकते हो दोस्तों एप्पल फार्म, हर्सिल वैली अपनी खूबसूरती के साथ साथ एप्पल फार्मिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ रोड के नीचे पूरे जो है एप्पल के फार्म है। और व्यू देख सकते हो दोस्तों आप, कितने प्यारे प्यारे व्यू हैं यहाँ से। तो गाइज एक मस्त सी लोकेशन मिल रखी है हमको, देख सकते हो आप रोड के किनारे पे, और इस साइड देख सकते हो आप रोड का व्यू, और यहाँ से नीचे जो है भागीरथी नदी बह रही है, और सामने देख सकते हो आप दोस्तों पूरा देवदार का कितना खतरनाक जंगल है, और कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और बर्फ़ के सीजन में तो ये बहुत ही तगड़ा लगता होगा, और आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। तो नीचे पे चलते हैं एक बार, और सामने दोस्तों देख सकते हो आप नीचे पत्थर के नीचे पे जहाँ पे कुछ लोग आपको लग रहा होगा रह रहे हैं, और उसके आगे जो है पूरे सेब का एक बगीचा है, और ऊपर भी जो है पूरी एप्पल फार्मिंग हो रही है, देख सकते हो आप इधर पूरे इस इतने इलाके में सेब के पेड़ ही लगा रखे हैं इन्होंने। इतनी सेक्सी जगह है,
तो गाइस ये हम पहुंचने वाले हैं गर्तांगली, मतलब जहाँ से गर्तांगली के लिए रास्ता जाता है वहां पर पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए हैं गाइस गर्तांगली के एंट्री गेट पे। सामने देख सकते हो आप मेरे वहां पर है प्रवेश द्वार, और यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं हमसे पहले, तो अभी बढ़ते हैं आगे। गाइज हम ये आ चुके हैं गर्तांग गली के लिए अंदर को, और गेट से आपको एक ऐसा पास लेना पड़ेगा देख सकते हो आप। तो एक बंदे की 200 रुपीज़ फीस है यहाँ पर अंदर आने के लिए। देख सकते हो आप रास्ता कितना संकरा है और कितना खतरनाक है। और दोस्तों जुबान फिसल गई है, यहाँ सांस फूल गई है दोस्तों, फट के हाथ में आगे चलते चलते। लेकिन हम तुम्हें दिखाएंगे नज़ारा, क्या ही बेहतरीन नज़ारा है। बाकी तुम समझ ही सकते हो मेरी फीलिंग, हार्ट बीट तेज हो गई है चलते चलते, अब कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं। धन्यवाद आपका। यही चढ़ रहे हैं दोस्तों अभी हम गर्तांगली के लिए, और सामने देख सकते हो आप गंगोत्री वाला रूट है, और इसके इस साइड जो है रास्ता गर्तांगली वाला। और पंकज जी जो है बहुत थक चुके हैं, कैसा लग रहा पंकज जी आपको? ये दोस्तों काटूंगा नहीं इसको। तो ये है इससे एक बीच रास्ते में व्यू पॉइंट, यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और सामने देख सकते हो आप पुल दिख रहा है सामने वाला, और आप ये चेक करोगा इस फोटो खिंचाने के लिए कैसी कैसी जगह आना पड़ता है। यहाँ पर बैठ के फ़ोटो खींच रहा था ना, और नीचे सीधे नदी दिख भी नहीं रही है उसे, अंदर को है इसके अंदर को नदी। और यहाँ देखो इन दो पत्थरों के बीच का गैप, गाइस माना कि गर्तांगली बहुत अच्छी जगह है, आया करो घुमा करो, लेकिन भाई अपनी बंदियों को लेके मत आया करो यार, बुरा लगता है थोड़ा। हाँ वैसे हाँ सिंगल ऐसे भटक रहे हैं, और तुम अपनी बंदियां लेके आ रहे हो चुम्मा चाटी भी, और चुम्मा चाटी भी खुले हम कर रहे हो फिर इसके बाद। थोड़ा रोमांस तो थोड़ा पीछे होना चाहिए ना पर्दे के, ये थोड़ा ना कि सिंगल लोगों के सामने तुम जो है प्यार मोहब्बत का वो दो अपनी क्या बोलते हैं उसको प्रमाण, जरूरी नहीं है। तो आते भी हो तो यार थोड़ा सभ्य तरीके से घुमा करो। बाकी तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं। तो गाइस जी हम एंटर हो चुके हैं गर्तांग गली का जो मेन इंट्रेक्शन है यहाँ लकड़ी वाले रास्ते पे, आप देख सकते हो हम अभी नीचे को जा रहे हैं, और यहाँ से कितना खतरनाक रास्ता है। तो यहाँ पे नदी है, और इधर से जो है लकड़ी का पूरा रास्ता। ये गाइस गर्तांग गली, और क्या मजे आ रहे हैं गाइस यहाँ आके, अभी मजा आ रहा है गाइस अभी नीचे को जाने में। और सीढ़ियाँ यहाँ पर जो है अभी बढ़िया रास्ता बनाया गया है यहाँ से तख्तों से बल्लियों से, और पंकज चौहान जी यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं। बाकी मज़ा आ गया, और काफ़ी लंबा रास्ता है शायद ये, फोटोज़ तो हम कभी भी खींच सकते हैं, पहले ब्लॉग करके आपको दिखाएंगे कि ये कितना मतलब कितनी तगड़ी जगह है वो दिखाते हैं पहले आपको। और आप देख सकते हो रास्ता ये देखो गाइस नीचे नदी, और ये है गाइस गर्तांग गली। तो देख सकते हो दोस्तों गर्तांग गली अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी नीचे को जा रहे हैं हम। पंकज जी को मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है अंकल? ठीक था ना?
तो दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं गर्तांग गली के एंड पॉइंट पे, और बहुत ज़्यादा लंबी है नहीं ये गली वैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का फोटोशूट चल रहा है उसको। अंदर जी वो देख सकते हो आप, थोड़ा कपड़े चेंज करने में रोड से यहाँ पर आने तक इन्होंने जो है 4 बार कपड़े चेंज करके 10 बार फोटो खींचा दी है। गाइस क्या करें, कैमरामैन में लेके आ रहा है साथ में, लेकिन ये अच्छी फोटो नहीं ले पा रहे हैं। और गाइस काफी दुखद लास्ट एंड। तो गाइस हम निकल चुके हैं ऊपर को और बढ़िया फोटो खींचाते हैं अभी ऊपर। हम जा रहे हैं वापस और देख सकते हो मैं कहाँ खड़ा हूँ। गाइस चौंजी काफी थक चुके हैं। तो दोस्तों 4-5 सौ फोटो खिंचाने के बाद हम निकल चुके हैं अब गर्तांग गली से वापस। जितने मजे में नीचे को जा रहे थे उतनी फट रही ऊपर। नहीं नहीं अभी तो मजा आ रहा है, वहाँ का मजा आ रहा है। अब तो देखो गाइस चौंजी भी मजा आने लग गया है, ऐसी मस्त जगह देख के किसको मजा नहीं आएगा। मज़ा ही आएगा अगर थोड़ा साथ में वो भी होता था तो और मज़ा आता। इनका मतलब साथ में होती तो वाली बात होती, समझ जाओ आप मतलब, बाकी समझदार हैं आप। मेरी ऑडियंस है समझदार तो होगी भाई, समझदार तो इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों समझदारी दिखाएं और ज़रा सब्सक्राइब क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, मतलब थोड़ा यार अगले को भी मज़ा आए भाई काम करने में, थोड़ा पैसा ऐसा है ना थोड़ा। हाँ पूरी दुनिया 3,000 और कम से कम पूरे तो हो कभी ज़िंदगी में, नहीं तो ज़िंदगी लग जाएगी। अभी अगला 300 में ही घूम रहे हैं। देखो भाई तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, तुमको अगली बार से कहीं नहीं घुमाने मैंने, अकेला जाऊंगा घूम जाऊंगा। तो गाइस हम पहुंच गए वापस रोड पे और देख सकते हो आप यहाँ पे धन्यवाद कर रहे हैं यहाँ के लोग हमका हमारा। तो दोस्तों इतनी दूर आ गए हैं तो थोड़ा पुल से भी ले ही लेते हैं नज़ारे, देख सकते हो। ऐसे देखो गाइस तो गाइस ये हम निकल चुके हैं गर्तांग गली से नीचे को, और सुबह से नाश्ता वगैरह भी नहीं करा तो फटाफट अभी नीचे को जाते हैं और कोई मस्त सी लोकेशन देख के नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको आगे के सफर में। तो गाइस हम ले रहे हैं हरसिल के बहुत फेमस सेब अभी यहाँ से, बसंत भाई के यहाँ से। तुम्हारी हैं ये, कहाँ है इसका बगीचा है छोटू? 2 किलो हो गया, ज्यादा डाल दिया यार तूने। नहीं नहीं कितने का क्या करेंगे यार, कितने तो खा ही नहीं पाएंगे रास्ते में हम। ये तो हम खाते खाते जाएंगे ऐसे ना, अभी और निकालो भीग जाएगा यार ये तो, बारिश आएगी तो यहाँ पर। डिग्गी आओ डिग्गी में डाल देना। नहीं नहीं तेरे लिए बोल रहा हूँ यार। नहीं नहीं मैं क्यों, है छाता तला है ये है क्या तेरा सेब का बगीचा? निकाल 2 किलो से नीचे क्यों नहीं आ रहा है छोटू ये? अभी 1 किलो हो जा रहा है, कभी आधा हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है ये? वही डालो तो। मशीन तो खराब नहीं है छोटे तेरी? मशीन क्यों है ना, आज ही खरीदा हमने ये तो। यार अतुल की नहीं रहा इसमें, पता नहीं जितना किलो ले जाना है ले लो, किलो का पता तो चलेगा फिर कैसे चलेगा पता। नहीं, अरे नहीं यार कैसी बातें कर रहे हैं, 1 किलो हाँ अब भाई
चल ठीक है, हो गया ठीक है, चल ठीक है। तो दोस्तों हर्षिल आ रहे हैं तो कपड़े लाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक वाली ठंड हो रही है। मुझे लगा था नहीं होगा, लेकिन मुंशहरी से खतरनाक ठंड पड़ रही है यहाँ, ऐसी तगड़ी हवाएं चल रही हैं। तो अभी गाड़ी रोक के थोड़ा जैकेट वैकेट डाल लेते हैं, जोर से लगाओ मालिक उसको, मालिक ये पता नहीं किस टाइप की, नीचे तक लगा फिर उसको। एक से कुछ नहीं होगा गाइस, और पहनना पड़ेगा इसके बाहर से। सफर यहीं तक खत्म हुआ दोस्तों, इससे भी कुछ नहीं होगा यार, सॉस भी तो डालना था। चल तो ये हो गया गाइस, हम पैक। तो ये है गाइस हर्षिल, और ये जा रही है हर्षिल के लिए, ये वाली रोड जाती है उस साइड नदी के। तो यहाँ देख सकते हो आप दुनिया भर के रिसोर्ट है बढ़िया बढ़िया, और पीछे साइड देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। और यहाँ से अगर आप जाओगे तो ऊपर से एक जगह पे एक हर्षिल व्यू पॉइंट भी है। सेब के बगीचे देख सकते हो गाइस, और सेब है इसमें, और नीचे साइड भी और ऊपर साइड भी पूरा सेब का बगीचे है यहाँ। और देखिए गाइस नीचे नजारा, और ये अचानक से मौसम बिगड़ गया है दोस्तों, देख सकते हो आप धूप लगी हुई है और बारिश भी आ रही है फिर भी, और नीचे देख सकते हो आप कैसा खतरनाक मौसम हो रहा है, और जैसे जैसे नीचे को जा रहे हैं ज्यादा ज्यादा धूप। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने रूम पे, और देख सकते हो हमारी हालत कैसी हो रही है, पूरे मिट्टी से पूरे कपड़े सफेद हो चुके हैं, और पंकज जी का सफेद वाला काला हो चुका है, और ये देख सकते हो दोस्तों दुनिया यहाँ हर्षिल और क्या था दुनिया यार हर्षिल और गर्तांगली घूम के आ गया, और ये लोग तब भी सोए थे अब भी सोए ही है, उठ जाओ भाई। बीच में भी आया था, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए सेब लेके आए हर्षिल से, हम बहुत खुश हैं आपसे। वैसे अब ठीक है भाई, सेब खाते हैं रोजी। तो गाइस इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, तुम लोग करते नहीं हो, मैं बोलता भी बहुत कम हूँ लेकिन कर दो, और अगला टूर हमारा होने वाला है दोस्तों हमारा बद्रीनाथ का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज देखने के लिए, तब तक के लिए कीप वॉचिंग योर चपल ब्लॉग्स। थोड़ा रोमांस तो थोड़ा पीछे होना चाहिए ना पर्दे के, ये थोड़ा ना कि सिंगल लोगों के सामने तुम जो है प्यार मोहब्बत का वो दो अपनी क्या बोलते हैं उसको प्रमाण, जरूरी नहीं है। तो